आज मम्मा किचन में बनेगा लौकी से बहुत ही टेस्टी डिलीशियस नाश्ता, जो दो चीजों से बनकर के रेडी होगा, बिना दही के ही बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता। स्कूलें शुरू हो गई हैं और बच्चों के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है, तो आप बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग जरूर एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इतनी ये लौकी ली है, जिसे मैंने धो करके इतनी काट के रख लिया है। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए हमें मीडियम साइज का कद्दूकस का सांचा लेना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा बारीक ना ही ज़्यादा मोटा। और आप देख सकते हैं इसे मैं किसके एक साइड रख देती, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तब तक के लिए देख लीजिए मैंने यहाँ पर किसके लौकी को रख लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और ताजी लौकी थी, इसलिए मैंने उसके बीजे भी ना पूरा निकालना नहीं पड़ा, बस थोड़े बीजे मैंने साइड कर दिए हैं। देख सकते हैं आप प्लेट में बीजे मैंने हटाए हैं। अब लेंगे एक हम डोंगा कटोरा, आप जो भी बोले उसमें मैंने एक कटोरी, मेजरमेंट में आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, कप या कटोरी। मैंने एक कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, जो मैंने पहले से छान के रख लिया था। सबसे पहले डाल देंगे इसमें अब लौकी। लौकी को डाल दिया है इसलिए कि सबसे पहले वो काली पड़ जाती है, उसे ज़्यादा देर तक हम इसे किसके नहीं रख सकते। और ये लौकी बच्चे वैसे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो ऐसा नाश्ता बनाकर दे दिया जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये लौकी खाई है। और टमाटर, टमाटर मैंने दो मीडियम साइज के बारीक काट के ले लिया है। एक बड़ा प्याज है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। हम ये बारीक एकदम नहीं करना है, चाहते चॉपर से आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मोटा भाग होता है वो खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो एक छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर है दरदरा कूट के, अजवाइन ले लेंगे जिसे क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम एक बैटर तैयार करना है। पानी एक ही बार में नहीं डालना है, याद रहे देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें जितना बैटर चाहिए उस हिसाब से हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अभी हमारे ये गुलतियाँ भी नहीं पड़ती, थोड़ा डालने से इसे अच्छी तरीके से चम्मच से इसे मैश कर लेंगे पूरा। आप लोग अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल्स और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक कटोरी आटा है तो एक कटोरी पानी है, सेम मात्रा में होना चाहिए, फिर बैटर हम आपको बाद में देखेंगे। हमको पानी की ज़रूरत लगी तो हम और ले सकते हैं। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें बैटर को तैयार कर देंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके रखूंगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी बनने वाला नाश्ता है, जो आप लोग अपने बच्चों के टिफ़िन में बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप लोग भी बड़े भी से खा सकते हैं, केवल 10-15 मिनट में ये ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हो जाता है। यकीन मान आप लोगों को ये डिश बहुत ही पसंद आने वाली है, और ये बच्चों के लिए तो काफ़ी लाभदायक है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दो बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे काफ़ी सारा, फ्रेश धनिया मैंने धोकर के इसे काट लिया था। अब डाल देंगे फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप अगर अदरक पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, आप बगैर इसके भी बना देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनेगा। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। अब चलिए तड़का की तरफ चलते हैं, हम गैस की तरफ चलते हैं, तड़का लगाएंगे। अब इसमें हमने एक छोटी कटोरी लिया है, इसमें थोड़ा हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, इसमें सरसों के दाने डाल दिए हैं, ये मोटा वाला, आप बारीक वाला भी ले सकते हैं, अपनी पसंद से कुछ भी तड़के में लगा सकते हैं। मैंने करी पत्ता लिए है, फ्रेश करी पत्ते हैं, इसमें इसे भी अच्छी तरीके से तड़का लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ गैस बंद कर सकते हैं, जलेगा तो बिल्कुल स्वाद बिगड़ जाएगा। सफ़ेद तिल लिया है, सफ़ेद तिल एक बड़ा छोटा चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे चटकने देंगे। केयरफुली देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, और ये तिल कितनी उड़ती है उस हिसाब से बच के करिए। अब इसमें मैंने ये तड़का डाल दिया, इमीजिएटली इसे चला देंगे ताकि उसका फ्लेवर पूरा अंदर पर चला जाए बैटर में। आप लोग गेहूं की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, बेसन, इसमें आप अगर बेसन और सूजी भी मिला देते ना तो इसमें भी बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन मैं इसमें केवल गेहूं के आटे का बनाऊंगी। अब हम डाल देंगे इसमें
टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक अभी तक हमने डाला नहीं था, अब इसे अच्छी तरीके से फेंट देंगे। बैटर अच्छी तरीके से हमारा फूल चुका है, इसमें फिर मैं डाल दूंगी मीठा सोडा, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे, इससे अच्छी और अच्छी जालीदार हमारा नाश्ता बन करके रेडी होगा। आधे छोटे चम्मच लिया है, अब उसे मैं चटनी चला देंगे, अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ मैंने तवा को चढ़ा दिया है, मैंने एक छोटा चम्मच घी स्प्रेड किया है इस तवे में, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, और एक से दो चम्मच डाल करके हल्के हाथों से प्रेस करके इसे गोल गोल बना लेना। ज़्यादा पतला बैटर और ना ही ज़्यादा मोटा रखना हमें। 2 मिनट के लिए मैंने ढक कर के रखा है, आप 2 मिनट बाद पलटेंगे, देख सकते हैं हमारा नाश्ता एकदम से बन करके रेडी है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स चलिए बना दिया, आप दूसरा वाला बना करके दिखा रही हूँ मैंने अभी खाली, फिर से डालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा तिल को स्प्रेड करूंगी, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही हेल्दी बनता है। थोड़ा सा तिल को डाल देंगे, सेम प्रोसेस है, अब हम उसे ऐसे तरीके से दूसरा भी बना करके रेडी कर लेंगे। अब ये भी पलट देंगे, 2 मिनट ढक करके रखेंगे, आप देख सकते हैं ये भी बन करके रेडी है, बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। चलिए इसे थाल में हम सर्व करते हैं, तो चलिए एक एक करके डाल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी रंग इतना सॉफ्ट और इतना बढ़िया नाश्ता बना है। अब इसको आप दही की चटनी से या फिर आप पुदीने की चटनी, हरी चटनी और सॉस से भी इसे आप खा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगती है। इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ आप लोगों को, देख सकते कितनी कितना सॉफ्ट बन करके ये रेडी हुआ है, इतने आसानी से टूट जा रहा है, मुँह में जाते ही घुल जाने वाला। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।